जांजगीर चांपा जिले के एक युवा किसान दीनदयाल यादव ने ऑस्ट्रेलियाई केचुआ पालन से बेहतरीन जैविक खाद तैयार किया है। धीरे धीरे खाद व केचुओं की मांग बढ़ रही है। बहराडीह के किसान दीनदयाल यादव ने 2012 में केचुआ पालन शुरू किया था। वे अब इसे महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। 4000 रुपए के केचुए से यह काम शुरू किया गया था। अब तक करीब 8 लाख रुपए की केचुए बेच चुके हैं। केचुआ पालन कर न केवल खुद को समृद्ध कर रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को इसके पालन का तरीका बता रहे हैं। एक मुट्ठी केचुए की कीमत 262 रुपए है, जिससे किसान को लाखों की आय हो रही है। खास बात यह है कि केचुआ पालन में ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं होती। गोठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई केचुए की सबसे ज्यादा मांग होती है। बहराडीह के किसान दीनदयाल यादव ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत उनके गांव में 2 वर्मी टाके बने थे। 2012 में दोनों में 2-2 हजार रुपए का केचुआ डाले गए थे। यहीं से केचुए पालन की शुरुआत हुई, धीरे धीरे बढ़ाकर 1 हेचरी बना ली। और जब प्रदेश सरकार की ओर से गोठान योजना लागू की गई, तो सभी गोठान वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की जरूरत पड़ी, तो सभी गोठान में केचुए सप्लाई के लिए दीनदयाल को ऑर्डर भी मिला, जिससे यह कमाई का बड़ा जरिया बन गया। कृषि विभाग ने 2012 में मुझे 4000 रुपये का केचुआ दिया था। उस केचुआ को धीरे 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 बढ़ा के हमारे किसान स्कूल परिसर में एक हमने हेचरी बना लिया। और आज जब सरकार के राज्य सरकार ने जब यहाँ पर गौठान योजना लागू किया, तो हर एक गौठान में केचुआ की आवश्यकता पड़ी। उस गौठानों में पूर्ति के लिए मुझे यहाँ पर स्थानीय ज़िले में सप्लाई ऑर्डर मिला। इनके अलावा 5 और ज़िले में मिला, अर्थात 6 ज़िलों में 262 रुपया जो बीज निगम का जो दर है उससे बिक्री की है। 4000 से हमने व्यवसाय शुरू किया, आज 8 लाख रुपये से ऊपर उनकी बिक्री हो चुकी है। और अनवरत रूप से हम वहाँ पर किसान स्कूल में केचुआ पालन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और किसान वहाँ से लेके भी जा रहे हैं। इस तरीके से केचुआ पालन का जो कारोबार है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये कृषि विभाग ने हमको दिया था। ये ऑस्ट्रेलिया देश का एक किस्म है एसिनिया फोर्टिडा। और ये एसिनिया फोर्टिडा किस्म की विशेषता ये है कि ये गोबर में मिट्टी में भी रहती है, दोनों जगह रहती है। क्योंकि हमारा भुंडियन देसी केचुआ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में रहती है, क्योंकि गोबर में इसलिए वो मर जाती है क्योंकि यूरिन में जो तत्व जो होता है उसको सह नहीं पाता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन केचुआ, ऑस्ट्रेलिया देश का वेराइटी जो है, गोबर कचरा में भी बहुत तेज़ी से पनपती है, मिट्टी में भी पनपती है, इसलिए यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर गोठान को केचुए चाहिए। साथ ही जांजगीर चंपा जिले के अलावा शक्ति, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जिले तक यहां से केचुए खरीद कर ले जा रहे थे। केचुए की कीमत 262 रुपए है, जो बीज निगम की दर है। उससे बिक्री किया और 4000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया। आज 8 लाख रुपए की बिक्री कर चुके हैं। अभी बहराडीह में अन्य समूहों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। भारतीय देसी केचुआ के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया देश की आइसिनिया फोर्टिडा किस्म का केचुआ मिट्टी के अलावा गोबर में भी ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकता है, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा और डिमांड अधिक होती है। देशी केचुआ सिर्फ मिट्टी में रहते हैं, गोबर में नहीं रह सकते। शासकीय कृषि महाविद्यालय जांजगीर के सहायक प्राध्यापक एवं कृषि वैज्ञानिक प्रहलाद सिंह ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई केचुआ आकार में लंबे और फुर्तीले होते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के यह केचुए 70 से 90 दिनों में गोबर की खाद व मिट्टी को खाद में तब्दील कर देते हैं, जबकि भारतीय केचुए वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने की बजाय जमीन में घुसकर मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं।